दोस्तों अब से बस कुछ ही देर के बाद आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला है और ये मैच विशाखापट्टनम में होगा। वही दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिल्ली कैपिटल के 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक फॉर्म हैं या फिर इन खिलाड़ियों का केकेआर के खिलाफ काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। ऐसे में अगर केकेआर की टीम इन खिलाड़ियों पर लगाम कसने में कामयाब होती है तो केकेआर की टीम जीत की हैट्रिक लगा लेगी। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले खिलाड़ी हैं पृथ्वी शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी शाह के पिछले मैच में वापसी हो चुकी है और इन्होंने वापसी में ही चेन्नई के खिलाफ 27 गेंदों में धुआंधार 43 रनों की पारी खेली। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी शाह का केकेआर टीम के खिलाफ काफी बेहतरीन रिकॉर्ड है। इन्होंने केकेआर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है। ऐसे में केकेआर के गेंदबाजों को पृथ्वी शाह पे लगाम कसनी होगी और इन्हें जल्दी आउट करना होगा। वही दोस्तों लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर काफ़ी ख़तरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और आईपीएल के 3 मैचों में इन्होंने 130 रन बना दिए हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज इनको काफ़ी रास भी आते हैं। वही दोस्तों, कोलकाता की टीम को अगर मैच जीतना है तो सबसे पहले डेविड वार्नर को आउट करना होगा और इनके खिलाफ एक अलग रणनीति बनानी होगी। वही दोस्तों लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की करीब 1 साल के बाद आईपीएल में वापसी हुई है और पिछले मैच में इन्होंने चेन्नई के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में वापसी कर ली है। पिछले मैच में इन्होंने चेन्नई के खिलाफ 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और अपनी टीम को मैच में जीत दिलाई थी। ऐसे में केकेआर की टीम को ऋषभ पंत पर लगाम कसनी होगी। वही दोस्तों लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्जे। एनरिक नॉर्जे काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और केकेआर के बल्लेबाजों को इन्हें खेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। आपको बता दें कि इन्होंने आईपीएल के 42 मैचों में 54 विकेट चटकाए हैं जो ये दिखाता है कि ये एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। ऐसे में केकेआर के बल्लेबाजों को इन्हें संभल कर खेलना होगा। वही दोस्तों लिस्ट में पांचवे और आखिरी खिलाड़ी हैं स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जब से केकेआर की टीम से निकले हैं मानो एक अलग ही लय में दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल 2024 में भी इन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट चटकाए हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक गेंदबाज हैं और केकेआर के खिलाफ ये जमकर विकेट चटकाते हैं। कोलकाता के बल्लेबाजों को इनको संभल कर खेलना होगा और कमज़ोर गेंदों पर कुटाई करनी होगी। तो दोस्तों ये 5 वो खिलाड़ी हैं जिन पर अगर केकेआर की टीम लगाम कसने में कामयाब होती है तो केकेआर की टीम आईपीएल 2024 में लगातार अपना तीसरा मुकाबला जीतने में कामयाब होगी। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या केकेआर की टीम दिल्ली को हरा पाएगी। अपनी राय दोस्तों हमें नीचे जरूर दें।